आई एम योर फ्रेंड ताबिश और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्यूमन सीड्स के बारे में, जिसको हम आम लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में जीरा बोलते हैं। दोस्तों जीरा बहुत ही फेमस जो है मसाला है, जो कि इंडियन घरों के अंदर बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो है बहुत सारी डिशेज होती हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। बहुत सारे राइस बनाते हैं लोग, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि जीरा यूज़ करने के, जीरा खाने के कितने आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जीरे की। तो दोस्तों जीरा एक ऐसा स्पाइस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और जो वेस्ट के लोग हैं ना वो भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जो है जीरा के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, नंबर वन, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमें बीमारी होने से बचाते हैं, यानी कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी जो है हेल्थ डिसीज़ होने वाली होगी, जो कोई भी बीमारी होने वाली होगी, तो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर टू, जिसको भी पेट की प्रॉब्लम रहती है, इसके यानी इसका भी पेट जो है फूला फूला सा रहता है, डाइजेशन की दिक्कत रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। नंबर थ्री, जीरा का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आप जीरा यूज़ करते हो तो उससे होता क्या है, उसमें एक ऐसी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल एरिया होता है ना, तो उसको वो कूल कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग को पेट खराब की शिकायत रहती है, पेट बहुत जल्दी ख़राब होता रहता है, तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है, उससे भी आपको ये बचाता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको नहीं पता होगी जीरा के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जीरा होता है ना, वो ये भी पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, तो वो अगर जीरा को यूज़ करते हैं, उनकी डायबिटीज़, उनकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है, काफ़ी हद तक ठीक रहती है। अगर आपकी फैमिली में, आपके जो है आसपास कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई भी शुगर का मरीज़ है, तो वो इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, तो उनके जो है दर्द रहता है, जो है बहुत सारे पेन रहते हैं बॉडी में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इंसान करीब एक या दो टेबल स्पून जो है अपनी डाइट में या फिर जो है अपनी ड्रिंक में ले सकते हैं, जिससे उनका जो पेन होगा, उनका जो दर्द होगा, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी मदद होगी। बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि जो भी इंसान जो है कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ रहा है, तो अगर वो इसको यूज़ करता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बात करते हैं अगली बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ओबेसिटी के शिकार रहते हैं, मतलब मोटापा उनका बढ़ता रहता है। स्टडीज़ में कुछ ये भी पाया गया है कि जो इंसान जीरा यूज़ करता है तो उसकी जो है ओबेसिटी यानी जो है मोटापा काफ़ी हद तक ठीक रहता है। तो अगर आप जो है ओबेसिटी के शिकार हैं या आपकी फैमिली में कोई जो है मोटापे का शिकार है, जीरा यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कुछ कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कि किसी किसी के पेट जो है फूला फूला सा रहता है, मतलब जो है पेट में दर्द रहता है, किसी के पेट में जो है सूजन रहती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, गैस की दिक्कत होती है, किसी न किसी की दिक्कत रहती है लोगों को, तो अगर आप जीरा यूज़ करते हैं तो ये जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। मतलब कि आपके जितने भी पेट फूल रहा है या फिर जो है गैस की शिकायत हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है आपके पेट में, वो भी आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, तो वो अगर जीरा यूज़ करते हैं तो जो उनकी वीक मेमोरी है उसको भी काफ़ी हद तक ठीक कर देता है, मतलब जो है मेमोरी बूस्टअप कर देता है। तो जो इंसान जो है ओल्ड एज हैं वो इसको अगर यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अब तो हमने जान लिया कि इसके क्या बेनिफिट हैं, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट की जो कि अगर आप जीरा खाते हो, कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करते हो, मतलब आपने सुना होगा एक चीज़ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा खाया जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेही होती है। दोस्तों अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो वैसे कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा ले लें तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेही होती है। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा जीरा कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा क्यूमन सीड्स लेता है अपनी डाइट में, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नंबर वन मेल हार्मोन है। तो गाइज आप कोशिश करें कि जो क्यूमन सीड्स हैं या जीरा है वो हद से ज़्यादा बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करें तो वो लिमिट में ही खाएं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपको साइड इफेक्ट भी बिल्कुल भी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जीरा है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है। वैसे मैंने आपको बेनिफिट्स तो बता दिए, अब ये भी तो पता चलना चाहिए आपको कि किस तरीके से यूज़ करना है।
तभी ये तो आप फायदा उठा पाओगे यार। दोस्तों आपको जीरा को लेना है और जीरा को लेने के बाद उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसको जो है पाउडर फॉर्म में निकल कर आ जाएगा। जब वो पाउडर फॉर्म में निकल के आ जाएगा तो वो आप किसी स्मूदीज में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं, या कोई राइस की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और उसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गाइस अगर आपको डाइजेशन की शिकायत रहती है तो क्या करना है, आपको करीब 1 या 2 टेबल स्पून जीरा लीजिए। फिर क्या करना क्या है, जो है पानी के अंदर उसको बॉयल कर लीजिए। जब पानी में उसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वाटर में ईजिली मिक्स हो जाएंगी। एंड जब वो मॉर्निंग में आप पियोगे खाली पेट तो आपकी डाइजेशन की जितनी भी शिकायत होगी, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे हल्के हल्के ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जीरा राइस खा रहे हैं और उनको वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जीरा राइस अपने घर पर ही ईजिली बना सकते हो और बहुत ज़्यादा अपनी जो डिश है उसका टेस्ट इन्हेंस कर सकते हो। जैसे क्या करना है, आपको 1/2 टेबल स्पून जो है ऑयल लेना है, थोड़े से क्यूमन सीड्स लेना है यानी जीरा लेना है, उसमें थोड़ा सा भून लेना है मतलब पका लेना है, और जब वो बन जाएंगे तो फिर क्या करना है जो है उसमें राइस ऐड कर दीजिए जितना भी आप खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप उसको बना लीजिए तो आपके बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम जीरा राइस तैयार हो जाएंगे एंड आप उसको ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, आप किस तरीके से जीरा यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो सब्जी में यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग दही कंज्यूम करते हैं उसमें भी जीरा आप ऐड करके खा सकते हो, कुछ लोग क्या करते हैं वो है माउथ फ्रेशनर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये सारी बातें हो गई कि जीरा के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरीके से आपको यूज़ करना है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपकी सिटी में किस तरीके से जीरा यूज़ किया जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखना और दुआ में हमें याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।